क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 22। हमें इंटीग्रेट करना है sec square 7 माइनस 4x इंटू dx। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, sec square का हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या है, सोचेंगे tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो sec square आता है, लेकिन ये इसको तुम्हें लेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन आपको इंटीग्रेट करना है sec square 7 माइनस 4x dx के रिस्पेक्ट में, तो आप लेट करोगे, लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड तो 7 का 0, यहां पर माइनस 4 dx इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 4, यानी माइनस यहां जाएगा। ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा sec स्क्वायर और इसकी जगह t, और dx की जगह माइनस तो माइनस आगे आ जाएगा 4, तो माइनस 1 बाय 4 आपने आगे ले लिया और यहां पे आ गया dt, माइनस dt अपॉन 4, तो माइनस 1 बाय 4 आगे dt। अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1 बाय 4 एज इट इज, sec स्क्वायर t का होगा tan t और प्लस में एक c, t की जगह वैल्यू वापस रख देंगे तो माइनस 1 बाय 4 टेन 7 माइनस 4x प्लस c आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 23, साइन इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। अब किसको लेट करेंगे देखना ध्यान से, लेट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t, दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन है 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर वैल्यू पुट करें साइन इनवर्स ऑफ x की जगह t और dx अपॉन ये इस पूरे की जगह dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt, तो t को इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस में c आएगा, t की वैल्यू रख देंगे तो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 24, टू कोस इंटीग्रेशन है, टू कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 कोस एक्स प्लस 4 साइन एक्स dx। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, नीचे से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 3 cos x और 2 sin x आएगा, और 3 cos x 2 sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन नीचे से 2 कॉमन, 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब लेट कर लो आप, लेट 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये 3 कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, प्लस 2 साइन का क्या होगा कोस एक्स, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2 कोस एक्स इसे सोल्व करेंगे तो माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी इस पूरे ऊपर वाले की जगह डी टी और नीचे वाले की जगह टी, और ये 2 बाहर है ही, देयरफॉर ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी और 1 अपॉन 2 बाहर कॉन्स्टेंट डी टी।
तो वन अपॉन टी का क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू, और वन अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग टी और प्लस में सी। टी की जगह टी की वैल्यू लिख दो, वन अपॉन टू लॉग टी की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे जो हमने लेट की थी, थ्री कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी आपका आंसर है। आप है ना कभी कभी जो आंसर आए इन्हें दोबारा डिफ्रेंशिएट करके देखा करो, वही आएगा जो शुरू में इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 25 इंटीग्रेट करना आपको, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एज इट इज नहीं करेंगे, वन अपॉन कोस स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें आप 1 माइनस टेन एक्स को t लेट कर लो, लेट 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 का क्या होगा 0, माइनस एज इट इज 10 का sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हाँ देखना बेटा, 1 माइनस टेन एक्स को t लिया, 1 का 0 माइनस एज इट इज 10 एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स और t का डी टी हो गया। तो अब इसमें देखो चेक करते हैं हम, माइनस इसमें नहीं है, माइनस को उधर ले जाओ, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी इसकी जगह, और नीचे वाले की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये होगा माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, इसे फिर चेंज करते हैं माइनस टी की पावर माइनस टू डी टी। अब माइनस टू है तो हम क्या करेंगे, पावर माइनस टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल प्लस हो गया, टी की पावर माइनस वन हो जाएगी वन अपॉन टी प्लस सी, और इसकी वैल्यू टी की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स प्लस सी आपका आंसर है। क्वेश्चन 26, इंटीग्रेट कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो लेट हम इसमें रूट एक्स को टी ले लें, रूट एक्स क्या है एक्स की पावर वन बाय टू इक्वल टू टी लिया हमने, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर माइनस वन बाय टू, तो माइनस यानी अपॉन में वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास तो अपॉन में सिर्फ रूट एक्स है, टू नहीं है, तो टू को उधर ले जाएंगे, तो वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स की जगह टी और वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह टू डी टी, तो डी टी तो यहां लिख देंगे और टू लिख देंगे हम बाहर। अब इंटीग्रेट करेंगे टू एज इट इज, कोस टी को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी आ जाएगा और प्लस में एक सी, टी की वैल्यू वापस टू साइन रूट एक्स प्लस सी आपका आंसर है। बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर आप ये फाइंड आउट कर लो कि किसको टी लेट करना है, जिसको लेट करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, उसका जो डिफ्रेंशिएशन करके आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन में होना चाहिए। जैसे वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स आया है तो यहाँ वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स होना चाहिए, अगर ये नीचे नहीं होता तो ये क्वेश्चन ऐसे हो ही नहीं पाता। क्वेश्चन 27, रूट साइन ऑफ टू एक्स इंटू कोस टू एक्स डी एक्स, लेट साइन टू एक्स इक्वल टू टी, साइन का क्या है कोस टू एक्स, और टू एक्स का क्या है फिर टू, आगे लिख लो
इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कोस टू एक्स डी एक्स तो है ही, टू एक्स्ट्रा टू उधर ले जाओ, कोस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। तो वैल्यू रख लेते हैं अब, इन रूट के अंदर टी आ जाएगा, रूट टी कोस टू एक्स डी एक्स डी टी अपॉन टू, तो इंटू में डी टी अपॉन टू, वन बाय टू बाहर ले लेंगे। तो वन बाय टू बाहर लिया, रूट टी का कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन देखना, वन बाय टू बाहर, इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाय टू डी टी। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, टी की पावर वन बाय टू प्लस वन करेंगे और नीचे भी वन बाय टू प्लस वन और प्लस में एक सी। तो वन बाय टू इंटू टी की पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू प्लस सी, थ्री बाय टू को रेसिप्रोकल टू बाय थ्री हो जाएगा। तो वन बाय टू मल्टीप्लाई टू बाय थ्री मल्टीप्लाई टी की पावर थ्री बाय टू प्लस सी कैंसिल। तो ये वन बाय थ्री इंटू टी की पावर थ्री बाय टू प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं, तो वन बाय थ्री इंटू साइन ऑफ टू एक्स पावर थ्री बाय टू प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 28, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन रूट वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो लेट वन प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, वन का जीरो साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टी टी। तो ये देखो ये है ऊपर कोस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट टी इंटू डी टी। तो ये इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस वन बाय टू इंटू डी टी, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर माइनस वन बाय टू प्लस में वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी। तो टी की पावर वन बाय टू और अपॉन में वन बाय टू प्लस सी, तो टू इंटू टी की पावर वन बाय टू प्लस सी, यानी टू रूट टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा टू रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। स्टेप्स देख लो ध्यान से एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। लेट लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू टी, तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन कोट कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देयरफॉर क्या जाएगा इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स की जगह डी टी और लॉग साइन एक्स की जगह टी, तो ये हो जाएगा टी इंटू डी टी। टी इंटू डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, लॉग ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी आपका आंसर है। क्वेश्चन 30, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो लेट वन प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, वन का क्या हो जाएगा जीरो, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस नहीं है क्वेश्चन में इसे उधर ले जाओ, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी और वन अपॉन कोस की जगह टी, तो वन अपॉन टी
इंटू डी टी और माइनस का साइन बाहर ले लिया हमने, तो वन अपॉन टी का लॉग टी तो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी, इंटीग्रेट कर दिया, टी की जगह वैल्यू लिख दो माइनस लॉग ऑफ वन प्लस कोस एक्स प्लस सी आपका आंसर है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही लेट वन प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, वन का जीरो कोस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस टू डी टी, ये हमारा क्वेश्चन है। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से आएगा माइनस टी की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस टी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, इससे ये कैंसिल, आंसर आएगा वन अपॉन टी प्लस सी यानी वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स प्लस सी आपका आंसर है। इंटीग्रेट करना आपको, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस कोट एक्स डी एक्स, तो इसे थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो वन अपॉन वन प्लस कोट कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, एलसीएम लें तो वन अपॉन एलसीएम साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, नीचे वाला पलट जाएगा तो इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर है। तो इसको सपोज हम किसी सिंबल आई से डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये एज इट इज होगा नहीं, हम क्या करेंगे इसमें देखना, हमारे पास ये आई इक्वल टू ये आया, हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू से इसको मल्टीप्लाई तो टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अच्छा टू से मल्टीप्लाई किया तो आई की वैल्यू अगर निकालें तो इसे टू से डिवाइड भी कर लो वन बाय टू, आई इक्वल टू वन बाय टू, टू यहां और यहां दोनों जगह कर दिया इंटू डी एक्स। इससे क्या फायदा, ये स्पेशल तरह के क्वेश्चन है, हम इसको एडजस्ट करेंगे, देखना बेटा वन बाय टू एज इट इज, एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लो, इंटीग्रेशन का निशान साइन एक्स यहां लिख लो और साइन एक्स अलग से यहां लिख लो, मैं एक बार प्लस कोस एक्स लिखूंगा और एक बार माइनस कोस एक्स लिखूंगा, देखो बात सेम है, प्लस माइनस कैंसिल, साइन साइन टू साइन और नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मैंने क्या किया एडजस्ट किया, अकेला साइन एक्स था उसको पहले टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके टू साइन एक्स किया, फिर टू साइन एक्स में कोस एक्स प्लस और माइनस करके तो अलग अलग ये पेयर बना दी ये और ये इंटू डी एक्स, मैथमेटिकल एडजस्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये दिस, ये भी एक ब्रैकेट है, दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा वन बाय टू पहले वाले के साथ इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस वन इंटू डी एक्स, फिर प्लस का निशान, फिर वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में, तो इसको तो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स का इंटीग्रेशन वन का एक्स प्लस, इसके लिए स्पेशल करेंगे सपोज मैं इसको आई टू ले लेता हूं, आई टू तो आई इक्वल टू दिस प्लस आई टू, और स्पेशली अब मैं आई टू को अलग से इंटीग्रेट करूंगा,
मेरे पास आई टू इक्वल टू है 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें से मैं लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स को डी लेट करता हूँ, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, कोस कोस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में तो साइन प्लस कोस माइनस है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस उधर जाएगा यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे, देयरफॉर आई टू इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ डी टी और अपॉन में पूरे नीचे वाले की जगह टी, और 1/t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा लॉग टी। तो ये हो जाएगा आई टू इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू लॉग टी प्लस सी, यानी आई टू इक्वल टू माइनस 1/2 लॉग टी, टी की जगह वैल्यू रख देते हैं अब हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। देयरफॉर आई इक्वल टू आई वन, ये 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी आपका आंसर है। क्वेश्चन 33, वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, वन अपॉन वन माइनस सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से लेट हम इसको आई इक्वल टू 1/(1 - 10x) करेंगे इंटू डी एक्स, और 10x को करेंगे 1/(1 - साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम लेंगे कोस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स कर लेंगे इंटू डी एक्स पीछे वाले की तरह। ये दो आपके पोर्शन हो गए दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो इन्हें अलग अलग जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर हम हमेशा कोशिश करते हैं नीचे वाले को टी लेट करें, तो नीचे वाले को टी अगर हम लेट कर लेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स लेट इक्वल टू टी, तो कोस का माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों ही हो जाएंगे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो इसकी जगह ये तो इंटीग्रेट करके 1/2x हो जाएगा प्लस 1/2 ऊपर वाले की जगह माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ लगा देंगे हम और ऊपर डी टी और नीचे वाले की जगह टी, तो 1/2x माइनस 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे सेम उसी तरह से, तो ये हो जाएगा एक्स 2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ टी हमने लिया था इस बार कोस एक्स माइनस साइन एक्स को और प्लस में सी। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, सिर्फ वहाँ कोट था और इसमें क्या आ गया हमारे पास 10 आ जाता है। ठीक है।